हेलो बच्चों, आज क्लास में करवाने वाले इकाई दो आहार एवं पोषण आप देख सकते हो पशु का। इससे पहले इकाई ये कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिए हैं, देख लेना। देखो बच्चों, आपकी कृषि विज्ञान भी दिया हुआ है और फसल उत्पादन भी डिस्क्रिप्शन वीडियो लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। देखिए इस वीडियो में आज आपको आपको ओटी सहित यानी ओटी सहित क्वेश्चन आंसर और वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। कौन से? VVI क्वेश्चन। VVI यानी 2023 के एग्जाम में आएंगे। जो अभी त्रैमासिक परीक्षा तिमाही छमाही के पेपर है उनमें भी 100% आएगा। तो आप लोगों को वीडियो देख लेना है कि सबसे उठी आती है, किस सबसे क्या आता है, सब लोग देख लेना है। और किसी सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए और तो आप कमेंट करके बता सकते हैं किस सब्जेक्ट का चाहिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, साइलेज बनाने के लिए सर्वोत्तम फसल कौन सी है? तो आप देख सकते हैं सर्वोत्तम फसल मक्का है बच्चों। आप यहाँ देख सकते हैं, ये आंसर भी दिया हुआ है इधर, देख सकते हैं आप लोग ये दिया हुआ है। देखो 2008 आप देख सकते हैं अच्छी साइलेज का पीएच मान कितना होता है? जो अच्छी साइलेज का पीएच मान होता है 4.2 से 4.5 तक। आप यहाँ देख सकते हो अगला क्वेश्चन आता है जो है नहीं बनाया जा सकता। तो है कब नहीं बनाया जा सकता आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, यानी वर्षा ऋतु में। आप लोग देख सकते हो आंसर भी दिया हुआ है, वर्षा ऋतु में नहीं बनाया जा सकता है। देखो है बनाने के लिए फसल को काटना चाहिए जो है मतलब ऐसा ही नहीं कुछ भी कहो, है बनाने के लिए फसल को काटना चाहिए जब फसल पक जाए। फसल को कब काटना चाहिए? जब फसल पक जाए बच्चों। देख सकते हो भंडारित कर्म है यानी सूखी घास है, किसको बोलते हैं? सूखी घास को, घास सुखा ली जाती है। नमी कितनी होनी चाहिए? 15 से 20% होनी चाहिए। आप लोग बच्चे बता दें 15 से 20% जब नमी हो उसमें तब है बनाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन आता है गेहूँ की भूसे का 5-6 कच्चे प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 0.1% होती है बच्चों, 0.1%। और जो समझ में आ रहा है क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दूँ। अगला क्वेश्चन आता है देखिए यहाँ पे जो, हाँ अगर किसी सब्जेक्ट के अगर कोई क्वेश्चन या आपको आंसर चाहिए, किसी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, PDF चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सब्जेक्ट चाहिए, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगला अगले आते हैं रिक्त स्थान। तो बच्चों रिक्त स्थान देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है साइलेज हेतु फसल में डॉट प्रेशर सूक्ष्म पदार्थ होना चाहिए यानी 30 से 40 सूक्ष्म पदार्थ होना चाहिए। देखो आंसर भी दिया हुआ है, पहले दिया मक्का एवं ज्वार साइलेज एक सर्वोत्तम फसल है। मक्का एवं ज्वार, ज्वार से आधा था गड्ढा साइलेजों की दीवार में गोलाकार होना चाहिए। गड्ढा यानी गड्ढा कैसा होना चाहिए? गोलाकार होना चाहिए। अगला ऑप्शन आता है देखिए यहाँ पे, अगला ऑप्शन आता है साइलेज हरी साइलेज में हरा रंग की अधिकता के कारण होता है यानी कैरोटीन की अधिकता के कारण होता है। सूखी घास को है कहा जाता है, सूखी घास को क्या कहा जाता है? आप लोग देख सकते भी बताए थे सूखी घास को है कहा जाता है। अगला ऑप्शन आता है देखो एक शब्द उत्तर दीजिए बच्चों, एक शब्द उत्तर देता है खराब साइलेज का पीएच मान कितना होता है? तो 4.8 से अधिक होता है, क्योंकि अच्छी साइलेज का मान कितना होता है? 4.5 तक होता है मिनिमम। अगर देखिए है में हरा रंग का कारण क्या है? कैरोटीन और हरित लवण। फलादार फसलों के साइलेज हित बनाने में किसका छिड़काव किया जाता है? सीरे का। अगला क्वेश्चन है गड्ढे में हरे चारे को दबाकर सुरक्षित रखना चाहिए, क्या कहलाता है? साइलोइंग। अगला क्वेश्चन था बच्चों, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप वीडियो को जितना शेयर करोगे उतनी जल्दी आपको सारे सब्जेक्ट के यानी जितनी जल्दी सारे सब्जेक्ट हर रोज़ एक सब्जेक्ट का वीडियो हर रोज़ आपको एक दो वीडियो मिल जाया करेगा अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो। और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे तो हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आपको हर रोज़ मिल जाया करेगा। कमेंट करके बता देना किस सब्जेक्ट का चाहिए, आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे इस पर। अगला क्वेश्चन आता है साइलेज को बनाने में गोलाकार गड्ढे कब युक्त होते हैं? कटी फसलों हेतु दुधारू भैंस को 100 किलोग्राम ये किग्रा को केजी बढ़ते बोलते हैं केजी 100 किलोग्राम भार कितना शुष्क पदार्थ देते हैं? तो 3 किलोग्राम शुष्क पदार्थ। देखते हैं 2008 में आया था। अगला क्वेश्चन आता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आता है देखो क्वेश्चन आ गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दें ये VVI क्वेश्चन है, आपको बता दें VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आएगा, आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ एग्जाम में आएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। अगला क्वेश्चन आता है साइलेज बनाने की गर्त विधि के 3 गुण लिखिए, गर्त विधि के 3 गुण। तो देखो देखते गर्त विधि के 3 गुण लिखिए, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये क्वेश्चन है जो देख सकते हो बच्चों 2019 में आया था, आप लोग देख सकते हो 2019 में आया था, यानी 3 स्टार क्वेश्चन है, आपको बता रहे 3 स्टार क्वेश्चन है, स्टार लगा देना 3 स्टार क्वेश्चन है। अगला होता है साइलेज बनाने की गर्त विधि 3 गुण कौन से होते हैं? देखो गड्ढों की दीवारों हवा बिल्कुल बंद होनी चाहिए, यानी गड्ढों की जो गड्ढा बनाते हैं उसकी दीवारों से हवा नहीं आनी चाहिए। नंबर 2 दीवारें चिकनी लंबत तथा सजड़ होनी चाहिए ताकि किरण के समय उत्पन्न गर्मी कार्य छिड़क नहीं जाए। कहने मतलब यह है दीवारें हैं एकदम चिकनी सजड़ यानी मजबूत होनी चाहिए ताकि किरण क्रिया होती है जब साइलेज बनाया जाता है तो उसमें कीड़ा किरण किसको बोलते हैं? किरण बोलते हैं जैसे कोई पदार्थ है अगर उसको डाल दिया जाए, उसको गलाया जाए, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, जो कीड़े उसको खाते हैं उसको अपन किरबन कहते हैं बच्चों, ठीक है? अगला किरबन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है नंबर 3 पे गड्ढे की ऊंचाई उसके व्यास से 2 गुनी ऊंचाई है जिससे साइलेज
से हवा निकल सके, यानी गड्ढे की ऊंचाई उसके ब्यास से। क्योंकि ब्यास क्या है, यानी गड्ढे की ऊंचाई है जो उसकी चौड़ाई से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी मतलब गोल गोल गड्ढा होना चाहिए, उसकी लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए, गड्ढा यानी ज़्यादा गहरा होना चाहिए, यानी मतलब ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, किसे कहते हैं इसे बनाने के प्रमुख उद्देश्य क्या है? सूखी घास को कहते हैं जिसमें हरी घास के सभी आवश्यक तत्व उपस्थित होते हैं, यानी सूखी घास होती है उससे है बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बनाने के प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखो उद्देश्य भी दिया हुआ है, हरे पौधे से अधिक पानी निकाल कर बिना किण्वन के संग्रह कर बगैर पोषक तत्व नष्ट हुए उसी समय प्रयोग करना जब हरा चारा उपलब्ध ना हो। कहने मतलब यह है किण्वन क्रिया द्वारा संग्रह, किण्वन की क्रिया करते हैं, जब हरा चारा नहीं होता है तो वो है बना लिया जाता है, तो जब हरा चारा नहीं होता उस समय ये है वस्तुओं को खिलाया जाता है। जब हरा चारा ना हो कुछ घास वगैरह करके को रख लिया जाता है संग्रह करके गड्ढे में ताकि वो हरा बना रहे। अगला क्वेश्चन आता है अच्छी है की विशेषता क्या है? तो वैसे तो अच्छी है की विशेषता देखो, आप देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हो जो 2015 और 2018 में आया है। देखो देखो अच्छी है कि विशेषता क्या क्या होती है? नंबर है में पत्तियां अधिक होनी चाहिए, एक पॉइंट देखेंगे, है में पत्तियां अधिक होनी चाहिए क्योंकि पोषक तत्व की बहुलता पत्तियों में ही होती है, यानी पोषक तत्वों की बहुलता बहुलता जो पोषक तत्व होते हैं पौधों वो पत्तियों में अधिक पाए जाते हैं, तो है बनाने के लिए पत्तियाँ अधिक होनी चाहिए। नंबर दो है में अन्य पौधे जैसे खरपतवार ना सुखाए गए हो, जैसे है बनाते हैं अपन किसी घास का स्पेशल बना रहे हैं, जैसे मक्का का किसी का अपने है बनाया है तो उसमें अन्य खरपतवार नहीं होने चाहिए, जैसे अपन चारा वगैरह खेत में होता है जो फसल के अलावा उसको भी अपन उसमें ना मिला है। नंबर तीन दादा है का रंग हरा होना चाहिए, है जो हरे रंग पे यानी कम से कम 10 से 15% नमी वो हरा होना चाहिए, है का रंग क्या समझिए हरा होना चाहिए ताकि कैरोटीन की मात्रा बना रहे, कैरोटीन की मात्रा बनी रहे, हरा रंग कैरोटीन क्या रंग होता है पौधों में, अभी अपन ओटी पर गए थे। नंबर चार आता है में महक वही जो कि फसल में होती है, तो है में वही महक आनी चाहिए जो कि फसल में होती है, जब हरी रहेगी फसल तो वही महक आएगी जो फसल में होती है ताकि पशु से अच्छी तरह से खा सके। है में मिट्टी ना हो, अगली पॉइंट है में मिट्टी नहीं मिलानी चाहिए, मतलब है फफूंद रहित होनी चाहिए, फफूंद रहित का मतलब क्या होता है फफूंद रहित यानी है में फफूंद नहीं लगनी चाहिए, है में फफूंद नहीं लगनी चाहिए, इस प्रकार से है बनाई जानी चाहिए। है मुलायम होनी चाहिए, है मुलायम होनी चाहिए, जो अच्छे अच्छे पौधे हैं मतलब नाजुक पौधे उनकी है बनाई जाती है। नंबर आठ है स्वादिष्ट होने चाहिए, है पशुओं के लिए स्वादिष्ट होने चाहिए, है पशुओं के लिए बनाया जाता है तो ये पशुओं के लिए स्वादिष्ट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आता है, देखिए साइलेज बनाने के लाभ हानि कौन कौन से है? तो साइलेज बनाने के पहले लाभ देख लीजिए। देखो बच्चों ये क्वेश्चन है 2014, 2016 और 2018 में पूछा गया है MP बोर्ड में, तो देखिए क्या लिखा हुआ है साइलेज बनाने। नंबर एक, साइलेज सूखे चारे की अपेक्षा थोड़ी स्थान में रखी जा सकती है, साइलेज बनाई जाती है सूखे चारा यानी किसी को इसमें साइलेज बना के किण्वन क्रिया द्वारा थोड़ी जगह में रख दो, और चारे के लिए सूखे चारे के लिए क्या बहुत सारी जगह चाहिए। नंबर दो, साइलेज खिलाने से चारे की बचत होती है, साइलेज खिलाते हैं तो चारे की बचत होती है। सिंपल, बरसात के मौसम में उगे हुए चारे जो कुछ समय के बाद बेकार हो जाते हैं इस ढंग से कुछ समय के लिए सुरक्षित रखे जा सकते हैं, यानी बरसात के मौसम में चारा उगता है उसका साइलेज बना के कुछ समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि बरसात का मौसम खत्म होता है वो चारा सूख जाता है ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो ये साइलेज बना के उस समय तक रखा जा सकता है। नंबर चार आता है, मानसून के अभाव में जबकि घास सुखाना काफ़ी कठिन होता है साइलेज आसानी से बनाई जा सकती है, जैसे मानसून यानी बरसात का मौसम है वहाँ क्या घास नहीं सूख सकती है, जब घास नहीं सुखाई जा सकती है तब क्या है साइलेज बनाया जा सकता है, क्योंकि जब धूप नहीं निकलेगी तो घास सूखे भी नहीं है नहीं बनेगा। नंबर पाँच है, साइलेज स्वादिष्ट होता है अतः एक बार जो पशु इसे खा लेता है उसे बार बार खाना पसंद करता है, यानी साइलेज होता है जो स्वादिष्ट होता है इसे एक बार खा लेता हुआ है उसे बार बार खाना पसंद ही करता है। नंबर दो, साइलेज अधिक पाचक पोष्टक होने के कारण पशु को अधिक स्वास्थ्य एवं उत्पादक बनाने में सहायक होती है, साइलेज क्या है अधिक पाचक एवं पौष्टिक होती है जैसे क्या है पशु अत्यंत स्वस्थ यानी सही रहता है बीमार नहीं पड़ता, उत्पादकता बनाने में यानी वो सचिव जो दूध वाले पशु हैं दूध देते हैं उनका दूध भी बढ़ जाता है। ठीक है, अब हानि क्या है बच्चों इसके, देखिए साइलेज बनाने की हानि देखिए, साइलोपिट के लिए उपयुक्त स्थान की आवश्यकता होती है, साइलोपिट उसको कहते हैं बच्चों, साइलोपिट उसको कहते हैं जहाँ साइलेज बनाया जाता है, जिस जगह पर साइलेज बनाया जाता है उसे साइलोपिट कहते हैं, यानी जो गड्ढा बनाया जाता है जिसमें रखा जाता है साइलेज बनाने के लिए उसे साइलोपिट कहते हैं। नंबर दो, विटामिन डी कम होना चाहिए यानी इसको धूप के मतलब इसमें हवा नहीं जानी चाहिए, इसमें विटामिन डी कम होना चाहिए, धूप में कम होना चाहिए, इसमें विटामिन डी की मात्रा कम होना चाहिए। नंबर चार, परिरक्षण के प्रयोग में खर्च बढ़ जाता है, परिरक्षण के प्रयोग में क्या कर जाता है खर्च, परिरक्षण इसकी रक्षा करने के लिए कीट भी मतलब फफूंद वफूंद ना लगे, साइलेज ठीक ना बनने पर पशु दुर्गंध करके पशु इसे नहीं खाते, अगर साइलेज अच्छा नहीं बनवा तो इसमें बहुत बुरी दुर्गंध आती है जिसको इसे पशु नहीं खाते। नंबर पाँच आता है, पानी कारण कभी कभी साइलेज भारी हो जाता है
क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी मात्रा हो जाएगी तो शरीर क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। नंबर 6 शैलेज बनाने के लिए तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है जो कि आम आदमी की समझ से बाहर है। यानी जो शैलेज बनाता है उसे पढ़ा लिखा इंसान बना सकता है, आम आदमी शैलेज नहीं बना सकता, तो उसको तकनीकी ज्ञान यानी आदमी को बनाना आना चाहिए। अच्छी शैलेज कैसे बनाया जाता है, तकनीकी ज्ञान उसको आवश्यक है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक कर दो एक बार, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगला आता है भारत में साइलेज को कम प्रचलन के कारण होता है, भारत में साइलेज के कम प्रचलन के यानी भारत में साइलेज क्यों कम चलता है, तो देखो इसका कारण क्या क्या है आपको इसके बता दें। देखो 2017 में क्वेश्चन आया, आप लोग देख सकते हैं। तो कम प्रचलन कारण क्या है, भारत में साइलेज का कम प्रचलन का कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, भारतीय किसान अशिक्षित है इसलिए वे साइलेज का नाम भी नहीं जानते। देखो जो भारतीय किसान है वो अशिक्षित है, अशिक्षित मतलब कम पढ़े लिखे हैं, साइलेज कैसे बनाया जाता है ये चीज़ नहीं जानते हैं। नंबर 2 है जो युवा किसान साइलेज से परिचित है वो अशुद्धता कार्य से बनाते नहीं है। जो युवा है किसान है जो पढ़ रखे हैं वो जानते हैं कि साइलेज क्या होता है कैसे बनाया जाता है, तो वो क्या है असुविधा के कारण, उनके पास इतनी सुविधाएँ नहीं है कि वो साइलेज बना सके। नंबर 3 है किसानों में तकनीक ज्ञान का अभाव है, जो किसान है कुछ भारत में उसमें क्या है तकनीक ज्ञान का अभाव है। ये वाला पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 3 पॉइंट दोनों सेम ही समझ लो, यानी अशिक्षित है तो तकनीक ज्ञान का अभाव है। नंबर 4 आता है किसानों का चारा खराब होने का डर लग जाता है, यानी किसान साइलेज इसलिए भी नहीं बनाते क्योंकि बनाना अच्छा नहीं आया तो हमारा चारा भी खराब हो सकता है और इसको पशु ना खाएं तो पूरी मेहनत बेकार चली जाए। ठीक है, नंबर 5 है किसानों को हरा चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है, किसानों को हरा चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता। जो किसान है वो साइलेज बनाए इसलिए क्या होता है उन्हें मात्रा पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाता चारा, हरा चारा अधिक मात्रा में नहीं मिल पाता, तो जितना हरा चारा मिल पाता है उससे किसान मतलब साइलेज नहीं बनाना चाहते क्योंकि चारा खराब हो सकता है। पर्याप्त नंबर 6 आता है हमारे किसान को साइलेज बनाने की आदत नहीं है, और नंबर लास्ट पॉइंट खतरनाक पॉइंट है समझ लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे किसानों को इंडिया में क्या है ना भारत में बनाने की आदत ही नहीं है क्योंकि वो पशुओं के लिए साइलेज बनाए, बल्कि भारत के अलावा बहुत सारे देशों में साइलेज पशुओं को बनाया जाता है, अपने भारत में बहुत कम बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है, बनाते समय पोषक तत्वों की हानि के विभिन्न कारणों को समझाइए। तो है बनाते समय क्या है पोषक तत्वों की हानि के कारण क्या है, देखो है पत्तियों से बना घास के मतलब घास को सुखा के बनाया जाता है, पत्तियों को गिर जाने पत्तियों में पौष्टिक अंश अधिक होते हैं, यदि पत्तियां गिर जाती हैं तो पोषक तत्वों की हानि हो जाती है। बनाने के हानि के विभिन्न कारण, यानी है तभी बनाया जब मतलब घास के पत्तों पे पत्ते हों, उसके पत्ते गिर जाए फिर है नहीं बन सकता क्योंकि पत्तियों में ही अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगला पॉइंट आता है बच्चों नंबर दो पॉइंट आता है हरा रंग समाप्त हो जाने से, हरा रंग समाप्ति हो जाए घास का तब भी नहीं बन सकता। हरे रंग में कैरोटीन की अधिकता पाई जाती है जो विटामिन ए का निर्माण करती है, यदि हैं को सुखाते समय हरा रंग समाप्त हो जाता है तो विटामिन की हानि हो जाएगी। यानी बच्चों जो है इसमें हरा रंग की मात्रा होनी चाहिए क्योंकि कैरोटीन पाई जाती है हरे रंग में, अगर हरा रंग समाप्त सुखाते समय हरा रंग समाप्त हो जाता है तो विटामिन ए, क्योंकि हरा रंग विटामिन ए का निर्माण करता है, अगर मतलब हरा रंग चला जाएगा तो विटामिन ए की कमी आ जाएगी चारे में। अगला क्वेश्चन आता है हिसाब से हानि है, जब नंबर 3 आता है हिसाब से हानि, जब खेत में बनकर तैयार हो जाए तो उस समय वर्षा हो जाए तो वर्षा के कारण पत्तियां बहकर चली जाती हैं जिससे पौष्टिक तत्वों की हानि हो जाती है। जो है बनाने के लिए जो मतलब है बनाते समय अगर खेतों में है बना रहे हैं अपन रखते हैं सुखाने के लिए कुछ तो वर्षा हो जाती है, तो क्या है वर्षा के कारण खेत से पत्तियाँ बह जाती हैं तो हैं भी तब भी ना हिसाब से मतलब नुकसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन अगला आता है किरबन से हानि किरबन होते समय स्टार्च एवं शर्करा ऑक्सीकृत होकर नष्ट हो जाती है, जो है बनाते समय किरबन की क्रिया होती है उसके स्टार्च और शर्करा ऑक्सीकृत माने यानी भाप बन के उड़ जाती है नष्ट हो जाती है, तो इससे भी क्या होती है नष्ट हो जाती है, ये भी एक हानि का कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है बच्चों देखिए सोयाबीन फसल से क्या लाभ हानि है, सोयाबीन फसल से लाभ क्या है देखिए और हानि क्या है। देखिए अभी क्वेश्चन 2019 में आया, आप लोगों को बता दें 2019 में आया था, तो सोयाबीन फसल के लाभ फसल को शीघ्र काटने से वर्ष में कई फसल ले सकते हैं अतः फसल जल्द को बढ़ावा मिलता है। सोयाबीन फसल से क्या है फसल को जल्दी काट सकते हैं ले सकते हैं है ना। नंबर 2 आता है पशुओं को बाहर चारा काटने नहीं भेजा जाता अतः उन्हें मलमूत खेत में खाद भी स्वतः मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है पशुओं को जब ताज़ा हरा चारा मिलता है तो स्वस्थ बने रहते हैं। ठीक है, सोयाबीन फसल ऐसे चारे जो खेत में बाड़ या रखवाली के कम व्यय करना पड़ता है। नंबर 5 आता है पशुओं को वर्ष भर हरा चारा मिलने के कारण दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होती है। हानियाँ क्या है, यह विधि अधिक खर्चीली होती है
यह भी अधिक क्षति होती है। वर्षा ऋतु परिवर्तन के समय फसलों के बारे में परेशानी होती है, देख सकते हो ये हानियाँ होती है, यह हानियाँ लिखी हुई हैं इसकी दोनों, ठीक है। अगले देखिए, बच्चों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। अभी तक अगर आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ अभी के अभी शेयर कर दो। और किसी सब्जेक्ट का और अपन को पीडीएफ वगैरह चाहिए, इस जो पीडीएफ चाहिए इसका, ये जो भी पढ़ा रहे हैं इसका भी ये पीडीएफ को आप चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना है, कमेंट में बता देना किस किस को पीडीएफ चाहिए, उसको हम सेंड कर देंगे, ठीक है। कैसे डाउनलोड करना है हम ये भी बता देंगे। क्वेश्चन आता है, पशु खास समस्या के निराकरण कोई 12 उपाय लिखिए। तो देख सकते हो 12 उपाय दिए हुए हैं। देखो, पशुओं को खादों की उपलब्धता में वृद्धि हो जाए, नंबर 2 पशु पोषण विशेष ध्यान दिया जाए, नंबर 3 हरे एवं सूखे चारे का समुचित उपयोग किया जाए। हरे एवं सूखे चारे समुचित, समुचित माने यानी जो उचित हो इतना चारा, ठीक है, यानी बर्बाद ना किया जाए। खाद संरक्षण की गतिविधियाँ अपनानी चाहिए, खाद संरक्षण की हम यानी पशुओं के लिए भी लिमिट का ही चारा डालें जो वो बेकार ना करें। विभिन्न स्थानों पर चारा बैंक खोलना चाहिए। चारा बैंक मतलब क्या है, यहाँ भूसा वगैरह होता है ये अपन रख दिया जाता है, यानी स्वच्छित जगह पर रख दिया जाता है, चारा बैंक बोलते हैं। अनुपयोगी पशुओं को गौ सदन भेजकर उसकी संख्या कम करनी चाहिए, यानी अनुपयोगी पशु जो पशु हैं आजकल तो सब जगह अनुपयोगी पशु घूम रहे हैं, क्योंकि गाय हर जगह घूम रही है, उन कहने मतलब क्या है, उनको गौ सदन भेजकर उनकी संख्या को कम करनी चाहिए, यानी जो खेतों में चारा बिगाड़ती हैं, फसल बिगाड़ती हैं, जैसे आवारा पशु है उनको गौ सदन भेजना चाहिए। केवल अच्छी पशुओं को विकास के पर अधिक बल देना चाहिए, जो अपने यहाँ पे अच्छे पशु है, दुधारू पशु हैं, जो अच्छे काम को उसको अधिक सुधार करना चाहिए। जो अनवास पशु हैं बेकार में सब खा रहे हैं, किसी काम के नहीं, उसको गौशाला या गौशालन भेज देना चाहिए। अगला ऑप्शन था कि अगला आता है पॉइंट, राज्य सरकार द्वारा पशुपालन को तकनीकी निर्देश देना चाहिए, यानी राज्य सरकार है वो पशुपालन तकनीकी निर्देश दे। विभाग द्वारा प्रचार प्रसार कराना चाहिए सरकार को। नंबर 10 आता है, वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार मशीनरी को चुस्त करना चाहिए, यानी वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, वांछित उद्देश्य प्राप्ति के लिए कहने मतलब क्या है, पशुओं को बीमारी यानी पशुओं के लिए यानी हॉस्पिटल वगैरह डॉक्टर वगैरह भेजना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ होती है। अगला पॉइंट आता है, कम मूल्य पर चारे में उन्नत बीज किसानों को उपलब्ध कराना चाहिए, यानी कम मूल्य में ना, यानी सस्ते में किसानों को चारा एवं फसल के बीज सरकार दे, किसानों को उपलब्ध कराए, ताकि उसको आसानी से किसान को खरीद सके, उसको फसल में फसल बो सके और पशुओं के चारा और फसल उगा सके। नंबर 12 आता, अच्छे पोषण आहार विकसित करने चाहिए, सिर्फ अच्छे पोषण आहार मतलब क्या है, अच्छी चीज़ फसल बोना चाहिए जिससे पशुओं को पोषण आहार मिले, पशुओं के लिए और अपन के लिए। ठीक है बच्चों, आज की क्लास इतनी ही, ये पूरा अपनी यूनिट कंप्लीट होती है, इस यूनिट से पूरा ये अगर आपने यूनिट पढ़ लिया है तो पूरी यूनिट कंप्लीट कर ली है, इस यूनिट से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा जितना पढ़ाया गया है। तो बच्चों एक बार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों, जय हिंद।